देवास के समीप नैमावर के थाना प्रभारी राजाराम वास्कले की नदी जामनेर में ड्यूटी के दौरान डूबने से मौत हो गई। नदी से लाश को निकालने के लिए टीआई खुद नदी में कूद गए, लेकिन वे स्टॉप डैम के भंवर में फंस गए। वास्कले तैराकी जानते थे, लेकिन भंवर इतना तेज था कि उसने जावाज पुलिस अफसर को अपने आगोश में ले लिया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नैमावर थाना प्रभारी राजाराम वास्कली की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की, साथ ही नौकरी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने का भी भरोसा दिलाया। वहीं इस बीच घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसी तरह स्वर्गीय टीआई राजाराम वास्कले को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने खाकी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जनहित, अपने प्राण गंवाने वाले आदरणीय राजाराम वास्कले जी के चरणों में उनकी शहादत को नमन कर रहा हूं। जिस जीवटता के साथ में उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्यों से खाकी का सम्मान बढ़ाया और साहस और वीरता के साथ जनहित में उन्होंने प्राण गंवाए, अंतिम सांस तक जनता जन सेवा की, उनके भी चरणों में पुष्पांजलि और नमन है। स्वर्गीय टीआई राजाराम वास्कले का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं राज्य शासन की ओर से मंत्री प्रेम सिंह पटेल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज, भोपाल।